आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:35 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। फिलहाल बात करेंगे चतुर्थी तिथि की। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। ये व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। हमारी संस्कृति में गणेश जी को प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा का ही विधान है। भगवान श्री गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। आज के दिन गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है और आज के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है, और दूसरी तरफ जीवन में चल रही हर तरह की परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। तो ये थी चर्चा वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की, और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले वरियान योग, परिह योग और पूरा फल्गुनी नक्षत्र की। आज सुबह 8:58 तक वरियान योग रहेगा, इसके बाद परिह योग लग जाएगा। इस योग में कोई मंगलदायक कार्य करने से उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। वहीं परिह योग में शत्रु के विरुद्ध किए कार्य में विशेष सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। इसके साथ ही आज शाम 4:03 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की राशि सिंह है और इसके स्वामी शुक्राचार्य है। इसके अलावा पेड़ पौधों में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध ढाक यानी पलाश के पेड़ से बताया गया है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की, और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में, जिसे करके आप अपने जीवन में मनचाहा लाभ पा सकते हैं। अगर आप कुछ दिनों से अपने करियर संबंधी किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो आज के दिन सुबह के समय स्नान आदि के बाद आपको श्री गणेश भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर संबंधी परेशानी जल्दी ही दूर होगी। अगर आप खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं और जीवन में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको श्री गणेश भगवान के शक्ति विनायक गणपति मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। आपको बता दूं कि श्री गणेश भगवान के मंत्र जप के लिए लाल चंदन की माला सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। लाल चंदन की माला न होने पर आप मूंगा, श्वेत चंदन, स्फटिक या रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको एक डिब्बी में थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसमें 1 रुपए का सिक्का रखकर श्री गणेश भगवान के चरणों में रखना चाहिए और अपने संबंधों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की डोर मजबूत बनी रहेगी। अगर आपके मन में कोई ऐसी निगेटिव बात बैठ गई है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको एक पान के पत्ते पर 2 सुपारी और 2 लौंग के जोड़े रखकर उसे कलावे से बांधकर श्री गणेश को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी भी तरह की नेगेटिव स्थिति से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। देखो, यहाँ लेट मी एक्सप्लेन क्या है नेगेटिव बात जो मन में बैठ जाती है। एक बार एक आदमी एक साधु के पीछे पड़ गया कि आप मुझको कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊं। साधु ने कहा, भाई ऐसा कोई मंत्र नहीं है, मुझको भी नहीं मालूम। अगर पता होता तो मैं खुद ही करोड़पति रातों रात बन जाता। मैं मंत्र तो है, उसके अनुष्ठान बहुत लंबे हैं, महीनों लगते हैं करने में, है ना। फिर उससे एटीट्यूड जनरेट होता है, आदमी मेहनत करता है। उसने बहुत समझाया, देखो भाई, देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ, और ये सब जो हम तुम्हें बताते हैं वो व्यवस्थित जीवन जीने के अर्थ धर्म काम मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय के उपाय हैं। आप सकाम साधनाएं कीजिए, आपको फल मिलेगा। लेकिन वो कहला, ना मुझे आज ही बताओ। तो उसने सरेंडर कर दिया, भाई है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से बताएं। तो उसने आमरण अनशन कर दिया और कहा कि मैं भूखा ही रहूँगा यहाँ जब तक तुम मंत्र नहीं बताओगे। तुम बड़े कमाल के आदमी हो, करामाती, तुम्हें जरूर मंत्र आता होगा। ऐसा कोई साधु बड़ा दुखी हुआ कि अगर ये यहाँ भूखा मर गया तो गांव वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो उसने एक मंत्र लिख के दिया उसे और कहा, वो मंत्र अगलम बगलम बू सगलम सगलम सू टाइप का मंत्र लिखा और कहा कि इसको आज रात 3 बार पढ़ना, कल सुबह तुम करोड़पति हो जाओगे। उस आदमी ने पर्ची ली
और भागा, थैंक यू भी नहीं कहा, भागा। लेकिन वो अभी सीढ़ियों पर ही था कि साधु ने पीछे से फिर से पुकारा कि बिल्कुल ये ध्यान रखना कि इस मंत्र पढ़ने में कि आज की रात तुम्हें बंदर याद ना आए, तभी मंत्र सिद्ध होगा, तभी करोड़पति बनोगे। उसने कान से सुना, बंदर, बंदर तो मुझे रात में वैसे भी याद नहीं आता, बंदर क्यों याद है, नहीं याद करूँगा मैं बंदर को, याद ही नहीं करूँगा, कैसे याद आएगा। अब घर पहुँचते पहुँचते उसका संकल्प बड़ा सुदृढ़ कर लिया उसने कि आज की रात मैं बंदर को याद नहीं करूँगा, यानी पहले बंदर को याद करता था और फिर नहीं करूँगा, तो ये अब याद आ ही गई तो फिर नहीं करूँगा क्या मतलब। फिर सारी रात वो यही एक्सरसाइज करता रहा, मैं बंदर को याद नहीं करूँगा, बंदर याद आ रहा है बार बार, सारी रात उसे बंदर आता रहा। दिस कॉल्ड थ्योरी, मनोविज्ञान में इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया संरचना का सिद्धांत। देखो मानव जीवन, मानव एटीट्यूड, मन का विज्ञान, ये ज्योतिष और मन के विज्ञान का बड़ा डानामिली का संबंध, जैसे आयुर्वेद ज्योतिष वैसे मन का विज्ञान ज्योतिष। तो मनुष्य का जो मन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे मन में अगर किसी थ्योरी रिएक्शन के तौर पर आपके चित्त में कोई निगेटिविटी बैठ गई है तो आज गणपति को ये उपाय करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब आइए आगे चलते हैं और बिजनेस की बात करते हैं। अगर बिजनेस में आपकी बहुत सी कोशिशों के बावजूद आपको मनचाहा फायदा नहीं मिल रहा है तो आज के दिन आपको एक दूर्वा की गांठ लेकर उस पर 11 बार मौली लपेटना चाहिए, कलावा, और श्री गणेश को चढ़ाना चाहिए। इससे बिजनेस को मनचाहा लाभ मिलेगा। और अब अगली बार संतान के लिए, अगर आपकी संतान के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन गणेश जी को प्रणाम करके संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, संतान को हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति मजबूत करना चाहते हैं, मेमोरी बहुत लोगों की लूज होने लगती है, तो आज के दिन सुबह गणेश पूजा के समय ये लॉस ऑफ मेमोरी जो है आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी तीसरी उंगली से गणेश भगवान को केसर का तिलक लगा के फिर अपने भी लगाइए। लेकिन ध्यान रहिए, खुद को तिलक लगाते समय बीच की उंगली का इस्तेमाल करिए। मनुष्यों के लिए मध्यमा उंगली से और भगवान को अनामिका उंगली से तिलक लगाने की बात शास्त्रों में कही गई है। अगर आप बहुत दिनों से अधूरी पड़ी अपनी कोई हार्दिक इच्छा पूरी करना चाहते तो आज आपको दो मिट्टी के दीपक लीजिए, एक में घी डालकर सफ़ेद खड़ी बत्ती लगाइए और दूसरे में तिल का तेल डालकर लाल पड़ी हुई बत्ती लगाइए और घी के दीपक को जलाकर गणेश भगवान की प्रतिमा के गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ रखिए अपने बाएं हाथ, और तेल का दीपक अपने दाहिने हाथ गणेश जी के बाएं हाथ। घी का दीपक देवताओं के लिए और तेल का दीपक साधक की कामनाओं के लिए होता है। आज के दिन ये उपाय करने से आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर ऑफिस में बैकबाइटिंग से बचना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री गणेश के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, गं गणपतये नमः। गणेश जी के मंत्र का जप करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप दिन के समय जप कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जप करें और शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। आज के दिन इन बातों का ध्यान रखते हुए मंत्र जप करने से ऑफिस में स्थिति बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी। और फैमिली की यूनिटी के लिए क्या करना चाहिए, आज के दिन आपको अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर सबके नाम का एक एक गुड़हल का या कोई लाल फूल लेकर सबको एक साथ गणेश भगवान को अर्पित करना चाहिए, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से आपके परिवार की एकता बनी रहेगी, क्योंकि यूनिटी में ही ताकत है। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन आपको श्री गणेश भगवान को 11 बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए और चरण छूकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी कोई अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज वैनायक की श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। आज वैनायक की श्री गणेश चतुर्थी के दिन कौन से खास उपाय करके आप मनचाही सफलता पा सकते हैं और जीवन में विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, आज हमने इन सब के बारे में चर्चा की है। यहाँ एक बार फिर याद दिला दूँ कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। साथ ही आज दोपहर 2:35 तक पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग राशियों में तीनों लोकों में रहती है। जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती यानी जिस दिन चंद्रमा कुंभ मीन कर्क या सिंह राशि में होता है तभी भद्रा शुभ कार्यों में वर्जित होती है।
क्योंकि उस दिन भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। आज चंद्रमा कर्क राशि में है और दोपहर 2:35 तक रहेगा, तब तक विष्टिकरण, तो तब तक पृथ्वी लोक की भद्रा है। बता दूं कि भद्रा के दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस शुरू करना, त्योहार के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज नहीं करने चाहिए। इस समय शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए शत्रु से मुकाबला करना, राजनीतिक काम करना, सीमा पर युद्ध करना, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य आदि, किसी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र के प्रयोग के लिए, पर संबंधी कार्य के लिए, इन चीजों के लिए भद्रा प्रशस्त मानी गई है।